हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4, जो कि है वोलेटाइल्स ऑयल के बारे में, है ना। हमारा चैप्टर चल रहा है फार्माकोग्नोसी का, चैप्टर नंबर 4। और वोलेटाइल ऑयल, तो वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं? वोलेटाइल का मतलब मैं बहुत पहले बता चुका हूं। वोलेटाइल मतलब कोई ऐसी चीज जो उड़ जाए, जैसे कि पेट्रोल खुला छोड़ दो, वो क्या होती है? उड़ जाता है ना। तो ऐसे ऑयल जिनको हम खुला छोड़ दें और वो उड़ जाएं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वोलेटाइल ऑयल। और इसका जस्ट अपोजिट, ऐसे ऑयल्स जो उड़े नहीं, उनको हम बोल देते हैं फिक्स्ड ऑयल, कहीं नहीं जा रहे वो। क्लियर बात है? तो सिंपल एक छोटी सी बात दिमाग में बैठ गई होगी कि वोलेटाइल मतलब जो उड़ जाए, है ना। पानी भी वोलेटाइल है, लेकिन पेट्रोल के मुकाबले बहुत लेस वोलेटाइल है। रख दो तो धीरे 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 उड़ेगा वो। पेट्रोल हाईली वोलेटाइल है, बहुत जल्दी उड़ जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो हम यहां पेट्रोल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमको प्लांट से नहीं मिलता है। ठीक है, वो उदाहरण के लिए दिया मैंने, क्योंकि पेट्रोल को तुम सब लोग जानते हो कि खुला छोड़ दो तो उड़ जाता है। क्लियर है? तो आओ स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। चलिए, वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, कुछ जनरल बातें करें इसके बारे में हम लोग। तो आओ देखें जरा। वोलेटाइल्स ऑयल्स आर ऑडरस, ऑडरस मतलब खुशबूदार, इनका ऑर्डर होता है, लिखते जाना हिंदी। ऑडरस वोलेटाइल प्रिंसिपल, खुशबूदार वोलेटाइल उड़ने वाले प्रिंसिपल्स, मतलब इनके केमिकल्स होते हैं, ऑफ प्लांट एंड एनिमल सोर्स, एनिमल सोर्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहां फोकस करेंगे प्लांट के लिए। दीज ऑयल्स एवोपरेट वेन एक्सपोज टू एयर, खुला छोड़ दो हवा में तो एवोपरेट हो जाते हैं। ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ये जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर जहां हम लोग खड़े हुए हैं, 20-25 डिग्री का टेम्परेचर है, इसमें उड़ जाते हैं ये। एंड हैंस नोन एज वोलेटाइल और ईथरल ऑयल, इनको ईथरल भी कह दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? दीज रिप्रेजेंट, फिर क्या कह रहा आगे, दीज रिप्रेजेंट इसेंस ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। जितने भी वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं उनके अंदर इसेंस, इसेंस मतलब होता है ना, जिससे कि हम लोग कह सकते हैं, जिसको हिंदी में सार कहते हैं, मतलब सारा किसी की जिंदगी का सारा सार या निचोड़। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो इस ऑयल में पाए जाते हैं, इसेंशियल वाले, जो इसेंशियल मतलब जो जरूरी होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसेंस, यहां से वर्ड आया इसेंस, इसेंशियल से, इसेंस ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जितने भी एक्टिव होते हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं किसी भी प्लांट के। एंड हैंस ऑल्सो नोन एज इसेंशियल ऑयल। तो इथरल ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, इसेंशियल ऑयल, सबका मतलब एक है। क्लियर? ओके। इन मोस्ट इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मतलब कई बार, द वोलेटाइल ऑयल प्री एग्जिस्ट इन द प्लांट, पहले से ही मौजूद है। प्री एग्जिस्ट मतलब पहले से मौजूद है। एंड इज यूजली कंटेन्ड इन सम स्पेशल सिक्रेटरी टिश्यू। ये सिक्रेटरी टिश्यू के बारे में बात हम लोग पहले कर चुके हैं। ऐसे टिश्यूज या सेल्स होते हैं जो कुछ अपने अंदर से रिलीज करते हैं, लिक्विड टाइप का छोड़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कई बार तो प्लांट में ये पहले से मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द ऑयल डक्ट, तेल की नलियां, डक्ट मतलब नलियां, ऑफ अम्बेलीफरस फ्रूट्स, जो अम्बेलीफरस फ्रूट होते हैं उसमें बहुत महीन नलियां टाइप की होती है, पाइप टाइप के होते हैं। द ऑयल सेल्स, ऑयल ग्लैंड हो सकते हैं, सेल्स हो सकते हैं, डक्ट हो सकती हैं। ठीक है, इन द सब एपिडर्मल, एपिडर्मल सबसे ऊपर, इस सबसे ऊपर की लेयर के नीचे वाली जो लेयर होती है उसको कहते हैं सब एपिडर्मल। जो टिश्यू पाए जाएंगे उनको कहेंगे सब एपिडर्मल टिश्यूज। ऑफ द लेमन, लेमन मतलब पता ना लेमन क्या होता है, नींबू वगैरह। एंड ऑरेंज, मीजोफिल ऑफ यूकलिप्टस लीव्स। अब मीजोफिल सेल्स अगर तुम लोगों को बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक पत्ता मान लो, एक पत्ता है, इसको तुम ऐसा ऐसा काट दो, तो ऊपर वाले लेयर और नीचे वाले लेयर के बीच में जो सेल्स पाए जाते हैं उनको मीजोफिल सेल्स कहा जाता है। ठीक है, मीजोफिल्स ऑफ यूकलिप्टस लीव्स। ट्राइकॉम्स, हेयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ऑफ सेवरल प्लांट। तो देखो कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, सेकेंडरी टिश्यू के रूप में, ऑयल डक्ट हो सकता है, सेल्स ग्लैंड्स हो सकती हैं। ठीक है, फिर ग्लैंड्स कहाँ पाए जाएंगे, लेमन या ऑरेंज में पाए जाएंगे। म्यूजोफिल सेल्स हो सकते हैं लीव्स के, ट्राइकॉम्स हो सकते हैं प्लांट के। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ट्राइकॉम क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो बच्चों में फिर जैसे ट्राइकॉम है, यहाँ वीडियो पॉज कर दो, फटाक से डालो गूगल पे ट्राइकॉम्स ऑफ प्लांट और इमेज पे क्लिक करो, फटाक से एक इमेज निकल आएगी, तुरंत माइंड में सेट हो जाएगा वो, क्योंकि हर एक की इमेज यहाँ डालूंगा तो बहुत लंबा सा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, अगर कोई भी चीज़ मेरे लेक्चर में नहीं, किसी भी लेक्चर में और कहीं से भी कुछ पढ़ रहे हो, अगर उसकी कोई इमेज नहीं बन पा रही दिमाग में कि कैसा होगा, तो मैं हमेशा बताता हूँ क्या,
कि लकी का फकीर नहीं कि टीचर पढ़ा रहा वहीं जुट जाओ, नहीं कुछ लग रहा है कि यहाँ दिक्कत आ रही है, तो उसकी इमेज देखो, इमेज दिमाग में छपेगी तो बहुत जल्दी याद होता है। क्लियर है? आगे आते हैं। इन फ्यू केसेस द वोलेटाइल ऑयल डज नॉट प्री एग्जिस्ट, कुछ केस में पहले से मौजूद नहीं होता है, तो फिर कहां से आते हैं ये? बट इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड पढ़ चुके हैं हम लोग। जो ग्लाइकोसाइड होते हैं वो डिकम्पोज मतलब टूटेंगे तो उनसे क्या बनेगा? वोलेटाइल ऑयल बनेगा। एग्जाम्पल दे रहा है, होल ब्लैक मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड देखा है ना, ठीक है? तो जो मस्टर्ड सीड होता है आर कलरलेस, ठीक है? बट अपॉन क्रशिंग द सीड, जैसे ही सीड को पीस देंगे है ना, एंड एडिंग वाटर टू इट, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इज इवॉल्व। अगर ऐसे बीज को देखें तो कोई खास खुशबू नहीं है उसकी, लेकिन जैसे पीस देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो बहुत जबरदस्त खुशबू आती है। तो यानी कि पहले खुशबू नहीं आ रही थी, अब खुशबू आने लगी। इसका मतलब जैसे हमने पीसा तो कुछ हुआ, क्या हुआ आओ देखते हैं। दिस इज ड्यू टू द एलाइल आइसोथायोसाइनेट, द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एसेंशियल ऑयल। जो मेन कंस्टिट्यूएंट था एलाइल आइसोथायोसाइनेट ऑफ मस्टर्ड, फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ग्लाइकोसाइड सिनिग्रीन बाय एन एंजाइम माइरोसिन। हुआ क्या, ग्लाइकोसाइड था सिनिग्रीन, एंजाइम ने उसके ऊपर काम किया और ये टूट गया, क्या बन गया? एलाइल थायोसाइनाइड, पहले नहीं था। तो हुआ क्या, ग्लाइकोसाइड एंड एंजाइम आर कंटेंड इन डिफरेंट सेल। ग्लाइकोसाइड अलग सेल में था, एंजाइम अलग सेल में था। जब पीस दिया तो सेल टूट फूट गए, दोनों आपस में मिल गए, मिलने की वजह से ये वाला कंपाउंड बना जो कि वोलेटाइल ऑयल था। क्लियर है बातें? तो यहां पर ये प्री एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, पहले से मौजूद नहीं था, ठीक है? दो चीजों को मिलने की वजह से हो गया। ओके, ऑफ सीड टिश्यू एंड आर अनेबल टू रिएक्ट अनटिल द सीड्स आर क्रश, ठीक है ना? जब तक उसे पीसेंगे नहीं तब तक ये दोनों आपस में मिलेंगे नहीं। विद वाटर प्रेजेंट सो दैट द सेल कंटेंट कैन इंटरमिंगल। अब क्या हो गया, इंटरमिंगल मतलब आपस में मिक्सअप हो जाना। तो सीधी सी बात है, जब सेल को पीस दिया है हमने, सीड को पीस दिया है, सीड के अंदर कई सारे सेल्स होंगे, किसी में ग्लाइकोसाइड था किसी में एंजाइम थे, दोनों मिल गए, मिलने की वजह से हमारे पास वोलेटाइल ऑयल तैयार हो गया। आगे आते हैं, दीज आर केमिकली डेराइव्ड फ्रॉम टर्पीन्स, ठीक है ना? केमिकली कहां से डेराइव होते हैं? टर्पीन से, ठीक है? मेनली मोनो एंड सेस्क्यू टर्पीन्स, जो ग्लाइकोसाइड की बात हो रही है उसमें, जो केमिकली देखा जाए तो ये क्या है, टर्पीन्स है, मेनली मोनो और सेस्क्यू टर्पीन्स एंड देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव। अब ये लाइन बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, अगर टर्पीन्स और टर्पिनॉइड वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट होगा तो, ठीक है? दीज आर सोल्यूबल इन अल्कोहल एंड अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अल्कोहल और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। प्रैक्टिकली इनसॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में इनसॉल्यूबल होते हैं। लाइटर देन वाटर, पानी से हल्के होते हैं, ठीक है? क्लोव ऑयल हैवियर, पानी से हल्के होते हैं लेकिन जो क्लोव का ऑयल होता है, लौंग का तेल होता है, वो भारी होता है, ठीक है? पजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, इनके खास ऑर्डर होते हैं। हैव हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिजिक्स में पढ़ा होगा वो काफी हाई होता है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, जो मैं बता चुका हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब लाइट को लिवरोटेटरी या डेक्सोरेटरी, लेफ्ट या राइट रोटेट करवा देंगे। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है, ठीक है ना? याद रहे तो अच्छी बात, वरना कोई बात नहीं, दो चार लाइन इसमें याद कर लेना। आगे आते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स आर कलरलेस लिक्विड बट वेन एक्सपोज टू एयर, जैसी एयर हवा लगेगी इसको एंड डायरेक्ट सनलाइट लगेगी इसको, दीज बिकम डार्कर, ये काले हो जाते हैं ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसकी वजह से ये कैसे हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। अनलाइक फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल्स आर नीदर लीव परमानेंट ग्रीस स्पॉट ऑन फिल्टर पेपर नॉर सपोनिफिकेशन विद अल्काली। फिक्स्ड ऑयल जैसे मैंने बताया जो उड़ते नहीं है, फिक्स्ड ऑयल कपड़ों पर पड़ जाए दाग छोड़ देता है, या पेपर पर डाल दो तो दाग छोड़ देता है। ये क्या होंगे, जाएगा किस पर, हम लोग बात कर रहे हैं फिल्टर पेपर की। अगर हम इसको क्या कहते हैं, वोलेटाइल ऑयल को फिल्टर पेपर पर डालेंगे तो थोड़ी देर बाद वो उड़ जाएगा पूरा, वहां पर कोई भी स्पॉट नहीं रह जाता है, किसी भी टाइप का दिखाई नहीं पड़ेगा कि यहाँ तेल था भी। इनको हम सपोनिफाइड नहीं कर सकते ना, सपोनिफिकेशन मतलब प्रोसेस होती है जो साबुन वाली, तो ये सपोनिफाई भी नहीं होते हैं अल्काली के साथ। तो अब यहां से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों के दिमाग में, आखिर वोलेटाइल ऑयल और फिक्स्ड ऑयल में डिफरेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे हम इसको? तो देखो यहां पे कुछ बेसिक से डिफरेंस है, क्या अंतर है वोलेटाइल ऑयल और फिक्स्ड ऑयल में पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हो तो उसके हिसाब से एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है, कि ये सब चीजें तुम लोगों को पता हो। तो देखो वोलेटाइल ऑयल का क्या है, वोलेटलाइज एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ये वोलेटलाइज हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। डोंट गेट वोलेटलाइज एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर उड़ेंगे नहीं, जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे।
अब यहीं से थोड़ा सा समझ लेते हैं, डायरेक्ट लास्ट वाले पॉइंट पे आते हैं, एग्जांपल जिससे कि माइंड में कॉन्सेप्ट सेट हो जाए। पिपरमिंट ऑयल सबको पता होगा, लेमन, यूकेलिप्टस ऑयल है ना, क्या होता है यूकेलिप्टस, खुशबू तेल की आती है, उड़ जाती है थोड़ी देर बाद, है ना। और लेमन ऑयल देखें, सूंघें कभी यूकेलिप्टस सूंघा होगा। चलो संतरे की उसको बात कर ले, संतरे का जब निचोड़ डालते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसमें से चिपचिपा वाला पार्ट तो रह जाता है लेकिन बाकी खुशबू उसकी उड़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, कोकोनट ऑयल मेरे ख्याल सब जानते होंगे, ठीक है। ऑयलिव ऑयल सब जानते होंगे, कई लोगों के घरों में खाना ही बनता होगा इससे। फिर आर्गन एंड जजोबा ऑयल है। तो यहाँ से अब थोड़ा सा माइंड में जा रहा होगा तुम लोगों को, अच्छा ये तो सारे खुशबूदार वाले तेल हैं जिनसे खुशबू आती है, ये बिना खुशबू वाले हैं, आती है थोड़ी सी स्मेल आती है लेकिन ये ज़्यादा एकदम स्ट्रांग स्मेल आती है इनके अंदर से। तो ये वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ये फिक्स्ड ऑयल की कैटेगरी में उड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, ऑप्टेन किए जाते हैं बाय डिस्टिलेशन, ऑप्टेन बाय एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो अपनी जनरल होती हैं, लीव नो स्पॉट, ये स्पॉट छोड़ जाते हैं, दाग धब्बे छोड़ जाएंगे। कैनॉट बी सपोनिफाइड, इसको हम सपोनिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, साबुन नहीं बना सकते हैं, इनको हम सपोनिफाई कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ ऑयलियोपटीन्स एंड स्टीरियोपटीन्स, अब ये क्या होता है, ऑयलियोपटीन्स और स्टीरियोपटीन्स, ठीक है, ये इन दोनों का मिक्सचर से मिलके बनता है, ये ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इन दो के मिक्सचर से मिलके बनता है। तो भी ऑलियोपटीन्स और स्टीरियोपटीन्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो ये बेसिक से कुछ डिफरेंस है वोलेटाइल ऑयल और फिक्स्ड ऑयल। नेक्स्ट टाइम अगर कोई तुमसे पूछ ले वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं या फिक्स्ड ऑयल क्या होते हैं, तो दिमाग में तुम्हारे आएगा कि हाँ दोनों चीज़ अलग तो हैं, याद नहीं होगा तो एक अलग बात है, ठीक है। आगे आते हैं, तो देखो क्या कह रहा है, मैं उसकी बात बता देता हूं, पहले इस वाले पॉइंट पे आते हैं, ये वाले पॉइंट पे, व्हेन ऑलियोपटीन्स द लिक्विड पार्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल, भाई ऑयल बना है तो कोई चीज किसी में मिक्स होकर बनी होगी, जैसे कि पीछे एंजाइम और उसका रिएक्शन हुआ था। एंड स्टीरियोपटीन्स द सॉलिड पार्ट ऑफ एसेंशियल ऑयल, ये अंतर है बस, नाम दे दिया गया उनको, कंबाइंड जब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, वोलेटाइल ऑयल बनेगा। यहां देखते हैं, वोलेटाइल ऑयल जनरली कंपोज्ड ऑफ टू पोर्शन, इसके दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन। टर्पीन्स, हाइड्रोकार्बन में कौन आते हैं, टर्पीन्स, डेराइव्ड होते हैं एसीटेट मेलोनिक एसिड पाथवे, ये रास्ता है किस जिस रास्ते से ये प्लांट के अंदर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडाइज हाइड्रोकार्बन जिसे हम टर्पिनॉइड्स कहते हैं, टर्पिनॉइड्स ओ लग जाता है, ओके, डेराइव फ्रॉम इस्कीमिक एसिड पाथवे। तो ये प्लांट के अंदर दोनों अलग अलग बनते हैं और फिर आपस में आके जुड़ेंगे, ठीक है ना, एकदम से वोलेटाइल ऑयल नहीं बन जाता है, क्लियर है। द ऑर्डर एंड टेस्ट ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स इज ड्यू टू द ऑक्सीजनेटेड पार्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू के पर्पज से, कि उसमें जो मेन खुशबू आती है उसकी वजह कौन है, तो ऑक्सीजनेटेड पार्ट की वजह से उसके अंदर क्या आ रही है, खुशबू आ रही है, बात क्लियर हो रही है, चले आगे, ओके नेक्स्ट देखते हैं क्या बातें हो रही हैं। क्लासिफिकेशन, अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो वोलेटाइल ऑयल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो देख लेना टेबल में, कोई नहीं है केवल हाइड्रोकार्बन है तो टर्पेंटाइन ऑयल, अल्कोहलिक वोलेटाइल ऑयल हो सकते हैं, एल्डिहाइडिक हो सकते हैं, कीटोनिक हो सकते हैं, फिनोलिक हो सकते हैं, फिनोलिक ईथर, इसमें ईथर भी साथ में होता है, ऑक्साइड्स ओ जुड़ा होगा और ईस्टर हो सकते हैं, कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा उसी हिसाब से हमारे पास क्या मौजूद होता है, वोलेटाइल ऑयल की कैटेगरी या उसको हम क्लासिफाई कर देते हैं। ये कुछ उनके इतने सारे एग्जांपल हैं, देखो मेरे ख्याल से टर्पेंटाइन ऑयल तुम लोग बहुत अच्छे से जानते होगे, ठीक है, पिपरमिंट्स बहुत सुना होगा तुम लोगों ने, पुदीना, सैंडलवुड तो मेरे ख्याल से काफ़ी वैसा होता है, कीमती होता है, जनरली घरों में नहीं पाया जाता है, सिन्नामन, ठीक है, कैम्फर, कपूर है ना, देन उसके बाद आ जाए क्लोव, अजवाइन, तुलसी, ठीक है, इनके ऑयल की बात हो रही है, तुम कहो कि सर ऑयल तुलसी तो रह जाता है, पत्ते की बात नहीं हो रही है, उसमें निचोड़ के जब तेल निकाल लिया गया है उसकी बात हो रही है। देन यूकेलिप्टस, कार्डेमम, गार्लिक है ना, तो ये सब तो तुमने सुन रखे होंगे, तो इनके यानी कि ऑयल, इनके अंदर से ऑयल निकाला जाता है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे कोकोनट है तो कोकोनट का ऑयल होता है, वैसे ही इनके अंदर से तेल निकाला जाता है। बात करें कि आखिर क्यों मौजूद है प्लांट के अंदर, प्लांट को इनकी क्या जरूरत है, तो जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, क्या जरूरत है, आओ देखें जरा कि क्या जरूरत है। बींग वोलेटाइल
सिट्रोनेला ऑयल बींग ए वोलेटाइल ऑयल इज एन इंसेक्ट रिपेलेंट। कुछ मत याद करो, प्लांट अपने ऊपर कीड़े नहीं लगने देगा, जो कीड़े आगे प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं ना, खाने की कोशिश करेंगे तो ये उनको भगा देगा। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स दस प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड लीफ। प्लांट अपने फ्लावर और पत्तों को बचाता है इंसेक्ट रिपेलेंट से। तो जनरली जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, वो जनरली प्लांट के हम लोग पहले भी जान चुके हैं, लेक्चर में समझ चुके हैं, इनका मेन काम डिफेंसिव होता है, प्लांट को बचाने का काम करते हैं मेनली। क्लियर है? इंसेक्ट अट्रैक्टेंट वोलेटाइल, कुछ इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अरे अभी भगा रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे हैं भैया, कौन से वाले? मधुमक्खी। मधुमक्खी आएगी, फ्लावर पर बैठेगी, पॉलिनेशन होगा, जिससे कि क्या होगा, ब्रीडिंग, है ना? याद है ये एंथर होता है, सॉरी ये एंथर होता है, स्टिग्मा होता है, यहां से ट्रांसफर करना होता है। तो मधुमक्खी आके बैठेगी फ्लावर पे, उसके टांगों पे लग जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, वो आकर के यहां शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसमें भी हेल्प करते हैं। तो दोनों काम है इसके, जो इंसेक्ट नुकसान करेंगे उनको भगाएंगे, जो फायदा करेंगे उन्हें पास बुलाएंगे। क्लियर है? ऑकरेंस की बात करें तो यहां पर आप रटने वाला काम स्टार्ट हो जाता है। फैमिली, मैंने कहा कुछ फैमिली भी याद कर लो, है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या, लेविएटी, रूटेसी, पेपरेसी, जिंजिबरेसी, अम्ले, काफ़ी जगह पाई जा रही है ये, मिर्टेसी और लॉरेसी, कुछ फैमिली ऐसी कॉमन होंगी तीन चार, जिसके अंदर सब होंगे, अल्कलॉइड भी होंगे, ठीक है, टर्पिनॉइड्स भी होंगे, वोलेटाइल ऑयल भी होंगे, टेनिंस भी होंगे, ठीक है, वो फैमिली कॉमन निकाल के रख लो चार पाँच और सब में लिख दो वो। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो प्लांट के अंदर कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं ये, तो ग्लैंडुलर हेयर्स, जो ग्लैंड वाले हेयर्स होते हैं, कौन सी है फैमिली, लेविएटी में, मॉडिफाइड पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, पिपरेसी फैमिली में। अच्छा फैमिली याद ना रहा है किसमें क्या है, तो सिंपल याद रखो ग्लैंडुलर हेयर, पैरेन्काइमा सेल, ट्यूब ऑयल, ऑयल डक्ट इन पेरिकार्प ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, लाइसोजीनस एंड साइजोजीनस कैविटी इन रूटेसी, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कैविटीज होती हैं इन कॉनिफर, जो कॉनिफर प्लांट्स होते हैं, वोलेटाइल ऑयल मे ऑकर इन ऑल टिश्यू, सब में पाया जाएगा ये। पेटल्स ऑफ रोज, रोज के जो पेटल्स होते हैं, है ना, सेपल्स, पेटल, जो पंखुड़ियां होती हैं, गुलाब का तेल निकालते हैं, गुलाब जल, वो तो खैर जल हो गया, ठीक है, बार्क ऑफ सिन्नामन, सिन्नामन की जो छाल होती है, फ्रूट ऑफ कोरिएंडर, धनिया, लीव्स ऑफ पिपरमेंट, पिपरमेंट के जो पत्ते होते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से लगभग लगभग मैंने कहा था ना कि ये सीड है, फ्रूट है, पत्ते हैं, छाल हैं, ये लगभग हर जगह मौजूद होते हैं, तो कॉमन कॉमन फिर इनको भी याद कर लो। देखो थोड़ा सा बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे तो ऑक्रेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 8-10 चार पांच फैमिली याद कर लो, ये याद कर लो, ठीक है ना, कोशिश ये करना कि एग्जैक्ट मतलब जो सब में कॉमन है उनको याद रखो। और फिर वही बात जो मैंने हमेशा कही, कुछ नहीं याद है तो कुछ तो लिखना ही है, छोड़ना नहीं पेपर खाली, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्यों, कल को अगर, बात को समझना, कल को अगर टीचर नंबर देने की सोचेगा भी, लेट टीचर अच्छा है वो चाह रहा बच्चे को दो चार नंबर बढ़ जाए, तो जब तुमने कुछ लिखा होगा तो उसमें ही तो नंबर देगा वो, पेपर तुमने खाली छोड़ दिया अगर तो उसमें तो नंबर दे ही नहीं पाएगा वो, बात समझ में आ रही है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर खाली मतलब कुछ भी अनाप शनाप भर दो, ये मैं बता रहा हूँ उस केस की बात है कि अगर कंडीशन बहुत ख़राब है, 8-10 बहुत कम क्वेश्चन आ पा रहे हैं, तो और जो क्वेश्चन पढ़े वो नहीं आए हैं, जो क्वेश्चन नहीं पढ़े वो आ गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्लियर है? आगे आते हैं, नेक्स्ट आइसोलेशन, तो एक्सप्रेशन मेथड है जिसको हम लोग यूक्वेल मेथड भी कहते हैं, ठीक है, क्या होता है इस मेथड में, आओ देखें जरा, मेथड इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सीट्रस ऑयल, सीट्रस फ्रूट है ना, संतरा, नींबू वगैरह, वेयर ऑयल सेल्स इन रिंड, रिंड मतलब मैंने बताया था छाल, जो छिलका होता है, आर रप्चर्ड, रप्चर किया जाता है, तोड़ा जाता है मैकेनिकली, प्रेशर लगा करके या चाकू को घोंप के या पिन लगा करके, तो ऐसा नहीं कि हम लोग लगाएंगे, मशीन होती है वो, मशीन ऐसे करके पंचिंग करती है, तो पूरा समझ लो पूरी छाल के अंदर छेद छेद से होके सेल सारे फूटते हैं, उनके अंदर तेल निकलता है। फिर यूजिंग पॉइंटेड प्रोजेक्शन, पॉइंटेड मतलब नोकदार जो कीले होती हैं, बाय ट्विस्टिंग रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल होता है उसको लपेटेंगे, जैसे मान लो ये छाले हैं, ये ऐसे कील रहेगी मान लो, ठीक है, कीलें लगी हुई हैं ये, ठीक है, ये इसमें कीलें लगी हुई हैं, इसके आसपास इसको लपेटा जाएगा इस तरीके से, जब लपेटा जाएगा तो उसमें कीलें चुभेंगी और क्या होगा, तेल निकलने की प्रोसेस स्टार्ट होगी, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लपेटा जाता है इसे, आइदर मैकेनिकली और मैनुअली, हाथ से या फिर मैकेनिकली मतलब मशीन के द्वारा कर देंगे। द स्क्रीनड जूस, अब जो जूस निकल आएगा बाहर, इस सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है
सेंट्रीफ्यूगेशन पता है? सेंट्रीफ्यूगेशन पता है? नहीं पता, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, अगर तुम लोगों को याद हो कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैं तुमसे कहूं कि एक ग्लास ले लो कांच का, उसके अंदर तुम थोड़े से रेत के कण, कुछ और एक दो हल्के से घास के टुकड़े और कुछ और कागज के टुकड़े ऐसे करके डाल लो। अब उसके बाद तुम क्या करो, उसको हिलाओ, उसको क्या करो, हिलाना स्टार्ट करो। पानी डाल दिया, पानी के बाद इसको क्या करो, हिलाना स्टार्ट करो ऐसे ऐसे। जब ये गोल गोल घूमेगा तो तुमको क्या देखने को मिलेगा, जो रेत के टुकड़े होंगे भारी वाले पार्टिकल्स, वो भारी है सबसे, वो क्या होंगे, सबसे पहले किनारे पे आ जाएंगे। जो कम उससे भारी होंगे वो यहां होंगे, और जो कम भारी होंगे वो यहां होंगे, ठीक है ना। तो ये मैं बता रहा हूं कि इसको जब देखोगे तो भारी वाले पार्टिकल एकदम किनारे किनारे पे होंगे। तो यानी कि जो भारी पार्टिकल अलग हो गए, कम वाले अंदर, कम वाले अंदर। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हमारी मशीन के द्वारा की जाती है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर भर देंगे सॉल्वेंट, ठीक है, कोई लिक्विड डाल देंगे, और एक मशीन होती है उसमें बड़ा तेज घुमाते हैं। तो भारी वाले पार्टिकल नीचे चले जाते हैं, उससे भारी उसके ऊपर रह जाते हैं, उसके भारी उसके ऊपर आ जाते हैं। तो हम लोगों को सेपरेशन करना आसान होता है, हल्के वाले अलग कर लेते हैं, उससे हल्के वाले अलग कर लेते हैं। डेट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब बस टर्न लेती है ना, जब बस टर्न लेती है तो हमको बाहर की तरफ धक्का लगता है, जो जितना भारी उसको उतना ज्यादा धक्का लगेगा। क्लियर, ठीक है, आगे आते हैं। तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। इन अ हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ये मशीन होती है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल जो मैंने बताया, इसके अंदर इस टाइप से 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे हम लोग इस टाइप से टेस्ट ट्यूब फंसा देते हैं। क्या फंसा देते हैं, टेस्ट ट्यूब फंसा देते हैं, और ये गोल गोल घूमती है फिर। क्लियर है। When nearly half of the essential oil is extracted, जब लगभग आधा ऑयल एक्सट्रैक्ट हो चुका होता है, citrus, lemon and grass oils are extracted by this method. ठीक है, तो citrus, lemon और grass oil जो है वो, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा लाइन कुछ मेरे ख्याल से मिसिंग होगी, चलो कोई बात नहीं। सीधी बात है, सेंट्रीफ्यूगल क्या जाता है, उसके द्वारा क्या होता है, एसेंशियल ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। और फिर एग्जाम्पल दे रहा है, यहाँ से एग्जाम्पल नोट करेंगे, citrus, lemon and grass oils are extracted by this method. क्लियर है कौन कौन एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। नाउ स्टीम डिस्टिलेशन, यानी कि भाप बना करके, दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। द प्लांट मटेरियल इज मैसरेटेड, मैसरेशन समझते हो मेरे ख्याल से, सॉल्वेंट के अंदर डाल देना, फिर उसका जो निचोड़ निकल आता है, ठीक है। एंड देन स्टीम डिस्टिलेट, व्हेन द एसेंशियल ऑयल गो इनटू डिस्टिलेट फॉर्म, जब एसेंशियल ऑयल उड़ करके ऊपर पहुंचेगा, विच दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय द यूज ऑफ प्योर ऑर्गेनिक वोलेटाइल सॉल्वेंट लाइक लाइट पेट्रोलियम, ठीक है ना, उसकी हेल्प से हम लोग उसको बाहर निकाल लेते हैं। However, the method should be used with a great care, since इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है। क्यों? Some essential oils are decomposed during distillation. कुछ क्या होते हैं, decompose हो जाते हैं, टूट जाते हैं distillation के दौरान, and some are hydrolyzed to none or less fragrant compound. और कुछ break कर जाते हैं, या तो बिल्कुल ही fragrant less हो जाएंगे, खुशबू बिल्कुल चली जाएगी, या उनकी खुशबू कम हो जाती है। तो इसको बड़े ध्यान से करना है हमको, कि temperature बहुत ज़्यादा नहीं, कम नहीं, मतलब हमारा काम भी हो जाए, और हमारे जो चीज़ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो उनकी क्वालिटी भी ख़राब ना हो। एक्सट्रैक्शन बाय मीन ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट, अब सॉल्वेंट भी हमने कैसा ले लिया, वोलेटाइल ले लिया। एज डिस्क्राइब्ड अबव, सम एसेंशियल ऑयल आर सेंसिटिव, तो कह रहा है ऊपर हमने देखा, बात की कि कुछ सेंसिटिव होते हैं, हाई टेम्परेचर पे ख़राब होने की संभावना होती है, ठीक है ना, तो हीट, एंड हैंस इसीलिए डिकम्पोज ड्यूरिंग डिस्टिलेशन, क्योंकि वो सेंसिटिव है तो डिस्टिलेशन के दौरान डिकम्पोज हो जाएंगे। इन सच केस, ऐसे केस में द प्लांट मटेरियल इज डायरेक्टली ट्रीटेड विद लाइट पेट्रोल एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, जो लाइट पेट्रोल होता है उसमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम उसे ट्रीट कराते हैं, एंड द सॉल्वेंट इज रिमूव बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, हम लोग डिस्टिलेशन करेंगे रिड्यूस प्रेशर। अब जरा बात को समझना, यहाँ थोड़ी सी हमारे पास फिजिक्स लग रही है कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास एक बीकर है, और ये बीकर क्या है, इसके अंदर पानी है, पानी है, ठीक है, और हमारे यहाँ अभी प्रेजेंट टाइम में मान लेते हैं बाहर हम लोग हैं, छत पे हैं सपोज लेट, और टेम्परेचर है बाहर का लेट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या इसके अंदर मौजूद पानी खोलेगा, हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है, नहीं खोलेगा। तुम कहोगे सर इसका तो 100 डिग्री पे खोलता है ये, मैं कहूंगा नहीं 35 डिग्री पे खोलाओ। अगर ये 35 डिग्री पे खोल जाता है, सेम चीज यहां पे आ जाएगी, कम टेम्परेचर पे अगर ये उड़ जाए तो मेरे को 100 डिग्री पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, क्योंकि यहां पे अगर तुम लोगों को थोड़ी बहुत फिजिक्स की नॉलेज होगी,
तो यहां पे हमारे पास एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, 180 एम प्रेशर होता है। अगर ये प्रेशर मैं डिक्रीज कर दूं 0.7 या 0.5 तक ले आऊं, ठीक है, प्रेशर को डिक्रीज करूंगा, उतना डिक्रीज कर दूं कि ये 35 डिग्री पे उबलने लगे, ऐसा होता है। ठीक है, वहां पे अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तमाम फिजिक्स की बातें आ जाती हैं, जिनको इस बारे में और नॉलेज चाहिए वो जा सकते हैं, बॉइलिंग अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, हाउ कैसे बॉयल करता है वो सारा कुछ मिल जाएगा तुम्हें, वहां जा सकते हो। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, प्रेशर को रिड्यूस कर दिया, यानी कि सीधी सी बात है, तुम जो पानी पी रहे हो अपने घर में, ठीक है, हैंडपंप से पानी निकाला उसे पी रहे हो, उसके आसपास का प्रेशर अगर तुम गिरा दो तो वो पानी खोलने लगेगा, बट वो तुमको गर्म नहीं लगेगा, क्योंकि वो 35 डिग्री पे ही तो खोल रहा है, उसका टेम्परेचर 35, वो तुमको गर्म नहीं लगेगा, खोल जाएगा, खोलने मतलब उबलने लगेगा, उबलने का मतलब क्या है, उसको बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट की एक डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो ये यहां से रिड्यूस प्रेशर की बात आती है। आगे आते हैं, एडजॉर्प्शन इन प्यूरिफाइड फैट, ठीक है, जो प्यूरिफाइड फैट होते हैं हमारे पास उसमें हम एडजॉर्ब करा लेते हैं। देखो ध्यान रखना, एक है एब्जॉर्ब और एक होता है एडजॉर्ब। ठीक है, जो एडजॉर्ब होता है ना, जैसे मान लो कोई चीज है, मान लो मेरे पास एक चीज ये है ए और एक चीज ये है बी, अगर मेरे पास कोई चीज मान लो वोलेटाइल ऑयल उसके अंदर तक चला गया तो इसे मैं कहता हूं क्या हो गया, ये एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन कोई चीज आकर के बस उस पर ऊपर आके चिपक गई, अंदर तक नहीं गई, तो इसको मैं कहता हूं एडजॉर्ब। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तुम लोग कई बार देखा होगा प्रिंटिंग वगैरह होती है, कई कलर आर पार हो जाते हैं, कुछ कलर एक तरफ ही रहते हैं, दूसरी तरफ कलर आता ही नहीं है, तो एक तरफ एडजॉर्प्शन वाला केस आता है जब एक तरफ रहता है दूसरी तरफ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, द फैट टेकन इन ग्लास प्लेट, उस फैट को हम लोग, जो भी फैट हमारे पास है उसको ग्लास प्लेट में ले लेंगे, गर्म करेंगे 50 डिग्री पर, देन इट्स सरफेस इज कवर्ड विद द पेटल्स, फ्लावर की पंखुड़ियां लेकर के उसके ऊपर रख देंगे, ठीक है, एंड इट इज अलाउड टू बी कैप्ट एज सच फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक रखा रहने देंगे। तो उसकी पंखुड़ियों से जो फैट, ये मान लो फैट है जो पंखुड़ी ऊपर रखी हुई है, इस पंखुड़ियों से वोलेटाइल ऑयल निकल निकल के इस फैट में चला जाएगा, क्लियर है? तो कई दिनों तक रखे रहने देंगे, द फैट इज सैचुरेटेड विद द एसेंशियल ऑयल, फिर क्या होगा, कुछ दिनों बाद उस फैट के अंदर बहुत सारा एसेंशियल ऑयल आ जाएगा, फॉर विच द ओल्ड पेटल मे बी रिप्लेस्ड बाय द फ्रेश वन। अब क्या होगा, ओल्ड पेटल को हटा देंगे, नए पेटल लगा देंगे ताकि उनका भी तेल उसके अंदर निकल आए, ठीक है, द पेटल्स आर देन रिमूव्ड, ठीक है, एंड फैट इज डाइजेस्टेड विद इथाइल अल्कोहल, पेटल सारे हटाने के बाद जो फैट जिसके अंदर बहुत सारा एसेंशियल ऑयल पेटल से निकल निकल के आ चुका है, अब उसको हम लोग इथाइल अल्कोहल से ट्रीट कराएंगे, एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट इन द फैट आर डिसॉल्वड इन इथाइल अल्कोहल, अब उस फैट से निकल करके एसेंशियल ऑयल कहां आ जाएंगे, अल्कोहल में आ जाएंगे, एंड इफ सम फैट इज आल्सो डिसॉल्वड ड्यूरिंग डाइजेशन, अगर कुछ फैट भी अल्कोहल में आ गया तो उसको रिमूव कर देते हैं बाय कूलिंग टू अबाउट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, वो फैट आ जाएगा, छान लेंगे उसके बाद वो अलग हो जाता है, फिर क्लियर है? द एक्सट्रैक्ट हैविंग इथाइल अल्कोहल एंड एसेंशियल ऑयल इज डिस्टिल्ड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, अब जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट आ गया अल्कोहल के अंदर उसको हम डिस्टिलेशन करेंगे अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर टू रिमूव द सॉल्वेंट, जिससे क्या होगा, जो सॉल्वेंट है अल्कोहल है वो हट जाएगा, हमारा ऑयल अलग हो जाता है, क्लियर है बातें? बात समझ में आई? ठीक है, नाउ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ज्यादा नहीं है इसमें, क्या करते हैं, थिन सेक्शन ऑफ ड्रग ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक सोल्यूशन, ड्रग का एक पतला सेक्शन ले लेंगे, लीफ वगैरह कुछ भी चीज, ठीक है, और अल्कोहलिक सोल्यूशन में डालेंगे और सुडान 3 के साथ ट्रीट कराएंगे, रेड कलर आ जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल, अगर उसके अंदर वोलेटाइल ऑयल है तो क्या आ जाएगा, रेड कलर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, थिन सेक्शन ऑफ ड्रग इज ट्रीटेड विद टिंक्चर ऑफ अल्काना, टिंक्चर ऑफ अल्काना से ट्रीट कराएंगे, विच प्रोड्यूसेस रेड कलर दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल ऑयल इन नेचुरल ड्रग, अगेन रेड कलर आता है जिससे हमको पता चलता है कि उसके अंदर क्या है, वोलेटाइल ऑयल है, ठीक है, बात क्लियर है? ओके, आगे आते हैं, थियोरेटिक एक्टिविटी एज अ काउंटर इरिटेंट है ना, मतलब जो इरिटेशन होती है उसको कम करेगा, यूकेलिप्टस ऑयल एडमिनिस्टर्ड एज एन इनहेलेंट, सूंघने के तौर पे सूंघते हैं तो हमारी जो कफ वगैरह होता है आराम मिलता है, इंप्रूव लोकल सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन उसे इंप्रूव करेगा, सो एंटी स्पास्मोडिक है, ठीक है, थायमोल यूज एज माउथ वॉश एंड गार्गल, एनेस्थेटिक के तौर पे, लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है, रिड्यूस सिक्रीशन ऑफ लंग्स इन कफ एंड अस्थमा, जब लंग से बहुत ज्यादा कफ बन रहा हो उसमें हेल्प करता है, एंटीसेप्टिक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी हेलमिंथिक है, पेट के कीड़ों को मारता है, आल्सो यूज्ड इन एरोमाथेरेपी है ना,
आजकल एरोमाथेरेपी आती है, खुशबू से इंसानों को ठीक किया जाता है। लैवेंडर और रोजमरी इसमें इस्तेमाल होते हैं। फार्मास्यूटिकल की बात करें अगर हम लोग, तो देख सकते हैं हम लोग, फ्लेवरिंग एजेंट यूज्ड इन परफ्यूम इंडस्ट्री, स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड, कुछ दूसरे कंपाउंड बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। यूज्ड एज थेरेप्यूटिक एजेंट, थेरेप्यूटिक एजेंट में ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये सारे इसके यूजेस कहाँ हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये लेक्चर हमारे पास ख़त्म हो जाता है। और क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है, पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ेंगे, चीज़ों को कंपेरेटिव पढ़ने की कोशिश करना है, जहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा हो कि ये और ये एक जैसा लग रहा है, दोनों को साथ में रख करके, सामने रख करके पढ़ने की कोशिश करोगे। क्लियर है? तो पढ़ो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।